नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 122 गणेश के अग्र पूज्यत्व वर्णन के प्रसंग में राधा द्वारा गणेश की अग्र पूजा का कथन। नारद जी ने पूछा, मुनि पुराणों में जो गणेश पूजन का दुर्लभ आख्यान वर्णित है उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्मा के मुख से संक्षेप में सुना है। अब आपसे समस्त पूजनियों में प्रधान गणपति की महिमा विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है, क्योंकि आप योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं। पूर्व काल में स्वर्गवासियों ने सिद्धाश्रम में राधा माधव की महापूजा की थी। उसी राधा ने 100 वर्ष के बीतने पर जब श्रीदामा का शाप निवृत्त हुआ तब ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सुरेंद्रों नागराज शेष और अन्य अन्य बड़े नागों भूतल पर बहुत से बलशाली नरेशों और असुरों अन्य अन्य महाबली गंधर्वों तथा राक्षसों के रहते हुए सर्वप्रथम गणेश की पूजा कैसे की। महाभाग यह वृत्तांत मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद तीनों लोकों में पुण्यवती होने के कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है। उस पृथ्वी पर भारतवर्ष कर्मों का शुभ फल देने वाला है। उस पुण्य क्षेत्र भारत में सिद्धाश्रम नामक एक महान पुण्यमय शुभ क्षेत्र है जो धन्य यशस्य पूज्य और मोक्ष प्रदाता है। भगवान सनत कुमार वहीं सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्मा ने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। योगीन्द्र मुनीन्द्र कपिल आदि सिद्धेन्द्र और शतक्रतु महेंद्र वहीं तप करके सिद्धि के भागी हुए हैं। इसी कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं। वह सभी के लिए दुर्लभ है। मुने वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं। वहाँ गणेश की अमूल्य रत्नों की बनी हुई एक सुंदर प्रतिमा है जिसकी वैशाखी पूर्णिमा के दिन सभी देवता नाग मनुष्य दैत्य गंधर्व राक्षस सिद्धेन्द्र मुनीन्द्र योगीन्द्र और सनकादि महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसर पर वहाँ पार्वती के साथ कल्याणकारी शंभु गणों सहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पधारे। प्रधान प्रधान नागों के साथ शेष नाग भी तुरंत ही वहाँ आ पहुँचे। फिर सभी देवता मनु और मुनिगण भी वहाँ आए। सभी नरेश प्रसन्न मन से गणेश की पूजा करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। द्वारकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी वहाँ शुभागमन हुआ तथा गोकुलवासियों के साथ नंद भी पधारे। तदनंतर सुरसिका राशेश्वरी और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता सुंदरी राधा भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गोलोकवासिनी गोपी सखियों के साथ पधारी। वहाँ सुंदर दांतों वाली राधा ने भली भांति स्नान करके शुद्ध हो धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण की। फिर भुवन पावनी कांता राधा ने अपने चरण कमलों का अच्छी तरह प्रच्छालन किया। तत्पश्चात वे निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके मणि मंडप में गईं। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना से उत्तम संकल्प का विधान करके भक्तिपूर्वक गंगा जल से गणेश को स्नान कराया। इसके बाद जो चारों वेदों वस और लोकों की माता ज्ञानियों की पराजन्नी एवं बुद्धि रूपा हैं वे भगवती राधा श्वेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकार से अपने पुत्र भूत गणेश का यों ध्यान करने लगीं। जो खरो अर्थात छोटे कद वाले लंबोदर अर्थात तौंद वाले स्थूलकाय ब्रह्म तेज से उद्भासित हाथी के से मुख वाले अग्निशरी के कांतिमान एक दंत और असीम हैं। जो सिद्धों योगियों और ज्ञानियों के गुरु हैं ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवेंद्र मुनीन्द्र सिद्धेन्द्र मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं। जो ऐश्वर्यशाली सनातन ब्रह्मस्वरूप परम मंगल मंगल के स्थान संपूर्ण विघ्नों को हरने वाले शांत संपूर्ण संपत्तियों के दाता कर्मयोगियों के लिए भवसागर में माया रूपी जहाज के कर्णधार स्वरूप
शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर ध्यान रूप साधना करने योग्य भक्तों के स्वामी और भक्त वत्सल हैं, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके सती राधा ने उन पुष्प को अपने मस्तक पर रखकर पुनः सर्वांगों को शुद्ध करने वाला वेदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात उसी शुभदायक ध्यान द्वारा पुनः ध्यान करके राधा ने उन लंबोदर के चरण कमल में पुष्पांजलि समर्पित की। फिर गोलोकवासिनी स्वयं श्री राधिका जी ने सुगंधित सुशीतल तीर्थ जल, दूर्वा चावल, श्वेत पुष्प, सुगंधित चंदन युक्त अर्घ्य, पारिजात पुष्पों की माला, कस्तूरी केसर युक्त चंदन, सुगंधित शुक्ल पुष्प, सुगंध युक्त उत्तम धूप, घृत दीपक, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, सुपक्व फल, भांति भांति के लड्डू, रमणीय सुस्वाद पिष्टक, विविध प्रकार के व्यंजन, अमूल्य रत्न निर्मित सिंहासन, सुंदर दो वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थ जल, तांबूल, अमूल्य श्वेत चमर, मणिमुक्ता हीरा से सुसज्जित सुंदर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा सुशोभित शया, सवत्सा कामधेनु गौ और पुष्पांजलि अर्पण करके अत्यंत श्रद्धा के साथ षोडशोपचार समर्पित किया। फिर कालिंदी कुलवासिनी राधा ने ओम गम गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा, गणेश के इस षोडशाक्षर मंत्र का जो श्रेष्ठ कल्पतरु के समान है 1000 जप किया। इसके बाद वे भक्तिवश कंधा नीचा करके नेत्रों में आंसू भरकर पुलकित शरीर से परम भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा स्तवन करने लगी। श्री राधिका ने कहा, जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परमेश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं, प्रधान प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 122 संपूर्ण। जय राधा माधव।